हब आज के इस वीडियो में मैं 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 एडिट कोर्स लेडी कैडेट कोर्स 23 के वर्बल एमसीक्यूज जो कि 100% गारंटेड है कि यार कर रही हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वीडियो को एंड तक पे बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, मतलब कि ये 21 जो कोर्स गुजरा उसमें भी, 22 में भी, उससे पहले वाले रिपीट हो चुके हैं ये वो। सो पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, 1/3 of 10% of 120 इज बाय 3, ठीक है, 1/3 10% मीन्स 10/100 ऑफ 120, ठीक है, हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सबके साथ। जो रिजल्ट है वो है 4, ठीक है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँ चीज़ों के आप लोग इन चीज़ों के रट्टे मार के चले जाएं, क्योंकि वहाँ कि आप टाइम नहीं होगा कि आपको सॉल्व करने का मौका मिले। तो 84 MCQs आपको करने होंगे, टाइम होगा 30 मिनट्स का, ठीक है। MCQs हैं और टाइम बहुत कम है, तो इसलिए आप लोग जो हैं इसको याद कर लें। अगला MCQ, पेंसिल्स आर ऑफ 60 रुपीस, अगर एक डजन मींस 12, तो एक 12 पैक है जो कि 60 रुपीस का है, तो अमाउंट ऑफ 5, तो 12 जो है वो 60 का है, तो प्राइस क्या होगी वो होगी 25। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है आफ्टर अरेंजिंग RAPI कनुर स्टेट ठीक है। RAPIS को अरेंज करने से बनता है पेरिस, PARIS, और पेरिस जो है टी है। अगला हमारे पास एमसीक्यूज है इन अ क्लास, एक क्लास के जिनमें से बॉयज फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज। यहाँ पे एमसीक्यूज ये भी आता है एज ऑफ गर्ल्स, ठीक है, या फिर फाइंड द नंबर ऑफ सराहना क्वेश्चन घुमा फिरा के देखते हैं, तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन इसकी लाजमी से ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। तो इन अ क्लास ऑफ 500 340 बॉयज हो गए, तो आपने बॉयज की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो बॉयज की परसेंटेज क्या होगी, परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है, तो वो होगी 68%। नेक्स्ट हमारे व्हाई पीपल यूज कार, तो इसका आपने पॉजिटिव वे में आंसर करना है, तो व्हाई पीपल यूजेस कार, तो इसका आंसर है टू ट्रैवल, ट्रैवल करने के लिए यूज करते हैं कार को। हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट विल बी द थर्ड लेटर इन द वर्ड मैनेजमेंट व्हेन इटकली अल्फाबेटिकली अरेंज, ठीक है। मैनेजमेंट को अब आपने अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, मीन्स के ए जो है मैनेजमेंट में, देखें अगर आप ए यहाँ पे दो दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो ए को हम लोग एक दफ़ा करेंगे, ठीक है। ए के बाद नेक्स्ट टाइम क्या आ जाएगी, ई आ जाएगा, ठीक है। ई के बाद क्या आएगा, एन आएगा, एन भी दो दफ़ा है, तो एन को हम एक दफ़ा काउंट करेंगे, तो एन जो है वो थर्ड लेटर है मैनेजमेंट में। अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, इफ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज फ्राइडे, ठीक है, सेकेंड डे जो है वो मंथ का फ्राइडे है, तो 14th डे के प्रीवियस वीडियोस देखी हुई हैं जो 22 वाले कोर्स में आई हैं, 20 हैं, तो आपको ये है, तो आपको ये सॉल्व करने में कोई इशू, हम लोग क्या करेंगे 7 डेज का एक जो होता है वो वीक होता है, तो हम 2 के अंदर 7 ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा 9, ठीक है, 9 के अंदर हो जाएगा 14, तो इस तरह आपको वो वीडियोज़ देख भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे सॉल्व, मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो अगर आप प्लेलिस्ट में भी जाके देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको मिल जाए तो वीडियोस, तो इसका आंसर है करेक्ट वेंसडे। अगला हमारे पास एमसीक्यूस है, लास्ट लेटर ऑफ UTYEAB आफ्टर बी तो ये क्या बन जाएगा, ये ब्यूटी वर्ड है, ठीक है, ब्यूटी का लास्ट लेटर क्या है, वाई, तो वाई विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, आदिल इज 5 ईयर ओल्ड एंड हिज सिस्टर इज 3 टाइम ऑफ हिज एज, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो आदिल की एज जब 5 थी तो उसकी सिस्टर थी 3 टाइम्स मतलब 15 ईयर्स की थी, तब जब आदिल 5 साल का था तो उसकी सिस्टर
अगर हम 3 5 से करें तो 15 बन जाता है, तो वो 50 की थी, इयर्स की थी. व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर, उसके सिस्टर की एज क्या होगी व्हेन आदिल ईयर ओल्ड. अब ईयर ओल्ड, अब देखिए अगर हम 5 और 15 में गैप देखें तो 10 इयर्स का है, ठीक है. आपने गैप, तो आदिल की 15 साल उम्र है, तो उसमें 10 इयर्स का गैप जो है वो ऐड कर दें, तो 25 की बहन की एज हो जाएगी आदिल की बहन की. अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, 80% ऑफ 80 इज. यहाँ पे एक और एमसीक्यूज भी आता है, 90% ऑफ 90 इज. पर यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है 80% ऑफ 80 इज. तो हम एक आसान मेथड में आप के देती हूँ कि 8 8 64, ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 64. अगला जैसे मैंने आपको बताया था 90% ऑफ 90, तो वो क्वेश्चन आ भी गया है. तो 9 9 ज़ा, यहाँ से देखें 9 9 ज़ा 81. अगर हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं, अगर आपने पूरा सॉल्व करना है, तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा. तो 100 का एक जीरो यहाँ 90 के जीरो से कट जाएगा और दूसरा जीरो इस 90 के जीरो से कट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, 9 और 9 बच जाएगा. तो वो भी आंसर आपका 9 9 ज़ा 81 ही आता है. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, 1/3 of 10% of 120 is. तो 1/3 क्या होता है, 1/3. 10% 10/100, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, 300 हो जाएगा, और ऊपर आपके पास हो जाएगा 1200, ठीक है. नीचे 300 और ऊपर 1200, तो ये जब कटिंग होगी तो 4, ठीक है, रह जाएगा, ठीक है. अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स में से 360 आर बॉयज. पहले था क्वेश्चन कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स. अब आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, वहां पे तो आपको परसेंटेज का फॉर्मूला सिर्फ 360 पे लगाना था ना, तो बॉयज की परसेंटेज निकल आती. बट अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि गर्ल्स की परसेंटेज क्या है. मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किए हुए हैं, अगर आप वो भी देख लेते हैं तो बहुत बेनिफिशियल होंगे आपके लिए. प्लेलिस्ट में वो वीडियो सारी एक जगह पे इकट्ठी पड़ी हुई है, 22 के सेक्शन में, LCC 22 में. अच्छा, इसमें ये है कि आपने पहले 360 को माइनस करना है, ठीक है. तो जो आंसर होगा वो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी, उन नंबर ऑफ गर्ल्स पे फिर फॉर्मूला अप्लाई परसेंटेज का, अपने परसेंटेज का, तो 28% जो हैंगी गर्ल्स आ जाएंगी. अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस, ठीक है. 30 पैसेंजर हैं एक बस के अंदर, 2/3 of them, ठीक है. 2/3 मीन्स मेजोरिटी में जो हैं वो मेन हैं. तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ वुमेन, तो आपने सिंपली फॉर्मूला लगा के ये आंसर फाइंड कर लेना है, जो कि है 33.33%. तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप ये याद करके चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे सॉल्व करने का बिल्कुल टाइम. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, पॉइंट फ्रॉम द फ्रेंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग. इन फॉलोइंग में से आपने डिफरेंट फाइंड करना है, एंगल, स्केयर, रेक्टेंगल, स्केयर या हेक्सागोन. अगर आप इनमें से देखें, इन चारों में से, तो रेक्टेंगल, स्केयर और जो हेक्सागोन है, ये तीनों शेप्स की बात की जा रही है, जबकि एंगल जो है वो शेप नहीं है. तो एंगल इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है, पॉइंट आउट फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग. फॉलोइंग क्या है, मंकी, ऐप, जापान, ठीक है, बून, ठीक है, बून, ठीक है. तो मंकी, चिंपैंजी, पांडे और बबून जो हैं, सॉरी मंकी, ऐप, चिंपैंजी और बबून जो हैं, ये सब क्या है, मंकी के टाइप्स हैं. जबकि पांडा जो है, तो पांडा विल बी द डिफरेंट वन. अगला एमसीक्यूज है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज. अगर आप सीरीज देखें, LMN, तो आगे क्या आना चाहिए, ओ, तो ओ विल बी द करेक्ट. आगे है साउंड ऑफ ईगल इज, ईगल की साउंड को क्या कहते हैं, स्क्रीम, ठीक है, स्क्रीम करना ईगल की साउंड को कहते हैं. अगला जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है, हाफ ऑफ 9/90 इज. हाफ ऑफ 9/90 इज क्या होगा, ऊपर 9 है तो क्या हो, तो क्या हो जाएगा, 9 1 9, 9 हाफ ऑफ, सॉरी ये सॉल्व करना मुझे भूल गया, आप आई एम रियली सॉरी. ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके बता दूंगी. पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1/5, या फिर अगर 0.2 भी लिखा हुआ है तो वो भी करेक्ट ऑप्शन है. अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, इन अ क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट्स, 1200 आर प्रेजेंट इन द
परसेंटेज ऑफ एबसेंट स्टूडेंट, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ 1500 के 1500 प्रेजेंट हैं जिसमें से 1200 सॉरी 1500 टोटल स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 1200 प्रेजेंट हैं, तो प्रेजेंट स्टूडेंट्स की ये परसेंटेज बताएं, ठीक है। अब यहाँ पे एबसेंट स्टूडेंट्स की पूछा गया है, तो पहले हम लोग एबसेंट स्टूडेंट्स की जो है वो तादाद बताएंगे, वो कितनी होगी। 1500 में से 1200 माइनस कर देंगे तो वो 300 बच जाएगी। अब 300 के ऊपर हम लोग परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, तो परसेंट सिमसीक्यूज हमारे पास सिमसीक्यूज है 120 × 7 इज, तो वो क्या होता है आंसर 840। अगला हमारे पास है इफ अहमद वॉक टूवर्ड नॉर्थ एंड देन टर्न लेफ्ट, ठीक है। अगर आप अपने नाक से सीधा जाएं, सीधा आप सीधा करें और सीधा करें और सीधा जो है वो स्ट्रेट नॉर्थ हो जाए, देन टर्न्स लेफ्ट, अब आप अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर जाएं, व्हाट इज हिज प्रेजेंट डायरेक्शन, तो लेफ्ट साइड होगा, ठीक हमारे वेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप देखते हैं जो हमारे पास बना होता है, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ इंडिया वाली साइड पे ईस्ट और दूसरी साइड पे अफगानिस्तान वाली साइड पे वेस्ट, तो आपके जो है लेफ्ट हैंड साइड वो वेस्ट पे है, तो अफगानिस्तान वाली साइड पे, इसलिए वेस्ट द वेस्ट। नेक्स्ट है इन अ क्लास 500 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, 500 इन अ क्लास स्टूडेंट 500 स्टूडेंट्स 340 आर बॉयज़, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज़। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 68% विल बी द परसेंटेज ऑफ बॉयज़। अगला हमारे पास एमसीक्यूज है क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 इज, अब क्या है क्वार्टर किसे कहते हैं, 1/4 को, 110 क्या हो गया 1/10, 120 क्या हो गया 120, अब 1/10 क्या है 40, ये बन जाएगा क्योंकि नीचे 1/4 भी है और 1/10 भी है, तो ये बन जाएगा नीचे वाला 40। जब 120 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 2 + 2 / 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे बेट मास वाला, तो क्या हो जाएगा पहले डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड होकर 2 डिवाइड होकर 2 से, तो 1 आ जाएगा। अब 2 + 1 जब होगा तो वो क्या आंसर आएगा 3। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 1/3 क्या हो गया 1/3, 10% मीन्स 10/100 और 90 ऊपर क्या हो गया 90 और 10 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आपके पास और आई गेस, और नीचे जो है वो 3 × 100 तो 300 जब डिवाइड मतलब 900 / 300 होगा तो आंसर हमारे पास 3। अगला हमारे पास एमसीक्यूज है हाउ मेनी मंथ्स ऑफ ईयर हैविंग 31 डेज, कितने साल के महीने हैं जिनमें 31 डेज, 7 में हैं तो 7 महीने ऐसे हैं जिनके 31 डेज हैं। अगला हमारे पास एमसीक्यू इफ वन मैन राइट 5 पेपर्स इन 5 मिनट्स, अगर है वो जो आदमी है वो 5 मिनट में तो बताएं कि एक आदमी जो है 1 मिनट में कितने पेपर लिखेगा, तो एक पेपर कितने मिनट में लिखेगा, तो वो भी 1 मिनट में ही लिखेगा। अगला हमारे पास एमसीक्यूज है आउट ऑफ फ्रेंड्स स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज, तो ये अभी पीछे जो है वो रिपीट हो चुका है इसलिए मैं इसको स्किप कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियोज़ के लिए इंशाल्लाह मैं इससे भी अच्छी आपको डिटेल वीडियो एक बताऊँगी जिसमें आप लोगों ने आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं काफ़ी सारे कि मैम ये बता दें ये कैसे होगा किस तरह होगा, तो वो वो मैंने कमेंट सारे जो हैं वो कैप्चर करके रेल वीडियो बनाई है तो इंशाल्लाह वो भी मैं अपलोड करती हूँ, वो ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो मेरे तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।